आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। इस बार लगभग 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले साल बजट से 75,000 करोड़ ज्यादा है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव ने किसानों के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, ये बताइए किस प्रकार से आप इस बजट को देखते हैं? सरकार इसे ऐतिहासिक बजट बता रही है। देखिए, सरकार तो अपने हर काम को ऐतिहासिक बताती है। सरकार तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाषणों को ऐतिहासिक बता रही है। सरकार तो आसाराम बापू को भी ऐतिहासिक बताती है। सरकार पर मत जाओ, जनता ये कह रही है कि बजट ठीक नहीं है। कृषि के लिए इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, 0 बटा लड्डू है। गन्ने के लिए कोई योजना नहीं बनी, कोई फंड नहीं बना। बेरोजगार नौजवानों के लिए, लघु उद्योग के लिए कोई घोषणा नहीं है, कृषि उद्योग के लिए कोई घोषणा नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बजट ठीक नहीं। अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ की घोषणा की, स्टार्टअप सीड फंड के लिए 100 करोड़ की घोषणा की, तो क्या लगता है कि कितनी ये योजनाएं किसानों के लिए लाभकारी होंगी? देखिए, यूनिवर्सिटी में आप कहाँ पैसा लगाओगे, कितना लगाओगे, किसे क्या मालूम। हमको तो यह गन्ने का फंड बना दो 5,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ क्यों दे रहे हो? 5 करोड़ का 5,000 का बना दो। जो मिल मालिक पैसा ना दे, सीधा किसानों को जारी कर दो, किसान उससे खुश हैं। और यूनिवर्सिटी में आप पैसा लगाओगे नहीं लगाओगे, कौन लगा, किसे क्या मालूम। सब आपके घेरे की यूनिवर्सिटी है, सब आपने बना रखा है। इसलिए किसान को, बेरोजगार नौजवानों को हम 10,000 करोड़ आपको देंगे, बिना ब्याज के पैसा देंगे। वो कृषि आधारित उद्योग लगाएं, वो कपास से कपड़ा बनाएं, वो जूता बनाए चमड़े से, वो साबुन बनाए, दिया सलाई बनाए लकड़ी से, वो जो कृषि आधारित उद्योग लगेगा तब हमारे प्रदेश का विकास होगा। तो ये बेकार की बातें, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सर, सरकार ने यह कहा है कि यह एक ऐतिहासिक बजट है और इस तरीके से अपने बातों से वो किसानों का मुद्दा उठा रही है। युवाओं के लिए बात कर रही है कि 40,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। GIS की बात करिए कि 33,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन आपके विधायकों ने गन्ना किसानों, MSP और आवारा छुट्टा पशुओं का भी मुद्दा उठाया था। तो क्या आगे रणनीति रालोद की होगी सरकार अगर इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करती? देखिए, आवारा पशुओं की अगर मैं बात करूँ तो बुरी हालत है। ये इनकी इनकी पार्टी, इनके संस्थाएं गौशालाओं का पैसा खा रही हैं, आवारा पशु सड़कों पे घूम रहे हैं, किसानों का खेत खा रहे हैं। और अब तो एक खतरनाक बात हो गई है कि सड़कों पे लोगों को मार रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जाते हुए लोगों को टक्कर मारा, महिलाओं की डेथ हो रही है, बुजुर्गों की डेथ हो रही है। तो बहुत बुरी हालत है। मैं आपसे कहूँगा कि इनका कोई भी जनता के लिए ध्यान नहीं है। और हमारे लोगों ने गन्ने का सवाल उठाया, हमारे लोगों ने आवारा पशुओं का सवाल उठाया, और वो सवाल जायज है। और सरकार इसका हल नहीं करेगी तो हम आंदोलन करेंगे, लोकदल उसके खिलाफ है। इनके, आपकी पार्टी किसानों की पार्टी कही जाती है, चौधरी शरद सिंह की यह पार्टी है, किसानों के नेता कहे जाते थे। किसानों का एक बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन इस देश ने देखा है। आप कह रहे हैं कि आप उनके समर्थन में थे, आप उनके साथ खड़े थे, लेकिन जो 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है इस आंदोलन के लिए, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने क्या कुछ किया उन पीड़ित परिवारों के लिए? आप क्या उनके पास गए थे, मिलने गए थे, क्या सहानुभूति आपने दी उन्हें? देखिए, जो सारे देश के लोग मरे, पर हमारे इलाकों में जो लोग गए वहाँ भी हम गए, और हमने सरकार से मांग की कि मोदी जी, आप देश से माफ़ी मांग रहे हो, देश से नहीं, 750 किसान परिवारों से माफ़ी मांगो जिनके परिवार के लोग मरे। हमने कहा कि आपको, सरकार को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो कि इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, ये हमने कहा। और हम, आप भी किसान, हम MSP के साथ हैं, हम किसान आंदोलन के साथ हैं, जो किसानों के लिए लड़ेगा जयंत चौधरी RRLD उसके साथ है। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव रालोद के त्रिलोक त्यागी जी, जिन्होंने बताया कि भाषण ऐतिहासिक नहीं है, ये बजट ऐतिहासिक नहीं है, कि भाषण जो है ऐतिहासिक बनाने का काम किया गया है। और किसानों की बातों पे, MSP की बातों पे राष्ट्रीय लोकदल खड़ी है। जहाँ पे किसानों पे अत्याचार होगा, जहाँ किसानों की बात की जाएगी, वहाँ राष्ट्रीय लोकदल पहले खड़ा रहेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम TV लखनऊ। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।